तो जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कंप्लीट हो गया 2022 वाला। तो आज इसके करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि जो 2022 फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो उसका आंसर है कतर में आयोजित हुआ था। कब से लेकर कब तक हुआ था? 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो फीफा विश्व कप 2022 है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये कतर में हुआ था और 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर के मध्य में खेला गया था। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसमें कितनी टीमें जो थी शामिल थी और इसमें विनर कौन था, उपविजेता कौन रहा, विजेता कौन रहा, और इसमें कौन से जो फैक्ट्स हैं ऐसे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जो पहला हमने बात की, इसमें 32 टीमें भाग लेने वाली थी, उनमें से जो विजेता टीम थी वो थी अर्जेंटीना, और जो उपविजेता रही यानी कि जो सेकंड विनर रही जो फाइनल में पहुंची, अर्जेंटीना का सामना किया और अर्जेंटीना से जो हारी थी वो थी फ्रांस। तो यहाँ पे विजेता कौन रही? अर्जेंटीना, और उपविजेता कौन रही? फ्रांस। अब ये दूसरा फैक्ट आता है कि 32 टीमों ने भाग लिया था, विजेता रही अर्जेंटीना और उपविजेता कौन रहा? फ्रांस। अब इसके बारे में दो ऐसे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि ये जो 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप है ये अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है, अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि ये एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप है। तो इसके बारे में दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है ये, जो ये फीफा विश्व कप 2022 हुआ है वो, और एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप है, दूसरा फीफा वर्ल्ड कप है। तो इससे पहले कब हुआ था, इनके पहला जो एशिया में फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 2002 के अंदर साउथ कोरिया और जापान ने सम्मिलित रूप से आयोजित किया था। ये था एशिया में आयोजित होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप। और अब जो 2022 वाला हुआ है वो है दूसरे नंबर का फीफा वर्ल्ड कप जो एशिया में आयोजित हुआ है। अब अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब आयोजित होगा? देखिए, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो हर 4 साल में एक बार होता है। अब 2022 में हुआ है तो इसका मतलब हो गया अगले 4 साल बाद में जो फीफा वर्ल्ड कप है अगले वाला वो आयोजित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2026 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप अगले वाला आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा? ये 3 जगह पर सम्मिलित रूप से आयोजित किया जाएगा, 2026 के अंदर आयोजित होगा। ये 3 जगह पर होस्ट किया जाएगा, एक तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। यहाँ पे जो अधिकांश जो मैच हैं वो यूएसए में खेले जाएंगे और बाकी मैक्सिको और कनाडा भी इसमें शामिल हैं। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये होगी, जो वर्तमान के अंदर 32 टीमें भाग ले रही थी, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ उसमें 32 टीमों ने भाग लिया, लेकिन जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा यूएसए फ्रांस और यूएसए मेक्सिको और कनाडा में जो होस्ट होगा उसमें 32 की जगह 48 टीमें भाग लेंगे। तो ये वाला जो फैक्ट है ये याद रखिए कि जो 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप है उसमें 48 टीमें भाग लेंगी और वर्तमान में 32 टीमों ने भाग लिया है। अब इससे रिलेटेड, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक अदर जो फैक्ट है वो ये भी है कि फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था और जो अब 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप है ये कौन से वाला था। तो देखिए, 1930 के अंदर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, और जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है कतर के अंदर ये 22वां एडिशन है, यानी कि ये 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है 2022 के अंदर, और जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है ये 1930 के अंदर खेला गया। अब और थोड़े फैक्ट देख लेते हैं कि इसके वर्तमान जो चेयरमैन हैं फीफा के वो कौन है। तो देखिए, वर्तमान में इसकी जो चेयरमैन है वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान चेयरमैन हैं। और फीफा के अंदर भारत की रैंक कौन सी है, यानी कि भारत इसमें भाग नहीं ले सका, क्यों नहीं ले सका?
क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है, भारत इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके अंदर क्या होता है, पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर जो क्वालिफाई टीम होती है वो आगे से आगे बढ़कर, और कुछ जो सिलेक्टेड टीम होती है वो फाइनल के अंदर यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में भाग ले सकती हैं। तो भारत इसके अंदर भाग नहीं ले सका क्योंकि भारत की रैंकिंग काफी कम थी। भारत की वर्तमान रैंकिंग थी 106 और टीमों ने भाग कितना लिए, 32 में। तो भारत की रैंकिंग 106 है यानी कि 106 है। एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर भारत 19वें नंबर पे आता है। एशिया में भारत 19वें नंबर पे आता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।